अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो गाइस, आज हम बनाते हैं केक चाय के साथ, खाने वाला केक, बहुत ही बेहतरीन। तो चलो बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। तो हम लिए हैं एक बाउल, इसी में हम सारी चीज़ें मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम लिए हैं दो अंडे, इसको तोड़ेंगे। देखो अंडे को इसमें हम तोड़ दे रहे हैं, पहले अंडे तोड़ दे रहे हैं इसलिए कि ताकि अगर ख़राब हो तो ये पता चल जाए। देखो अंडे सारे ठीक हैं। उसके बाद डाल देंगे एक कप भर के पिसी हुई चीनी इसमें। उसके बाद लिए हैं हम बटर, बटर को डाल देंगे इसमें से, आधा कट करके हम डालेंगे। ये चौथाई कप हो जाएगा हमारा काट के जब इसमें डालेंगे। देखो ये मेल्टेड नहीं है, ये थोड़ा सा साबुत जैसे पिघला नहीं है अभी। तो इन सब चीज़ों को हम डाल के अच्छे से देखो चम्मच से मिला दे रहे हैं। इसको खूब अच्छे से मिलाना है, सारी चीज़ें जब अच्छे से मिल जाएंगी तब इसमें हम आगे काम करेंगे। तो देखो सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिल गई। अब इसमें इसके ऊपर हम रखेंगे छन्नी। तो देखो इसमें हम छन्नी रख दिया, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। तो एक कप मैदा पहले डाल दे रहे हैं, डालने के बाद इसको हम अच्छे से छानेंगे। तो इसको से चम्मच से थोड़े से चला दे रहे हैं ताकि बाहर ना गिरने पाए, इसी के अंदर गिरे बाउल के अंदर। तो इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कुछ लम्स या कोई जैसे कोई चीज़ हो जाए हो तो ये निकल जाए। तो देखो दोनों कप हम डाल दें, दो कप मैदा लिए हैं। इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम एक टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, इसको डाल दिए। एक चौथाई चम्मच डाल देंगे बेकिंग सोडा, जो हमारे घर पे हमेशा इस्तेमाल होता कोई चीज़ बनाने में, पकौड़ियाँ या कुछ बनाने में, उसको डाल दें। डाल दें सब चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। देखो सारी चीज़ छान लें, जो कुछ इसमें निकला नहीं लेकिन छानना ज़रूरी होता है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालना मिल्क पाउडर, बहुत अच्छा इससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इसी में से हम एक चम्मच ले रहे हैं मैदे को और उसको डाल दे रहे हैं टूटी फ्रूटी में। इसको बताएंगे किस लिए हम इसको डाल रहे हैं टूटी फ्रूटी के अंदर। उसके बाद इसको हम मिलाएंगे चम्मच एक स्पैचुला से। तो देखो इसको ऐसे मिला देना है। बीच में हम दूध ना पानी कुछ नहीं डाली हूँ, अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो एक कप दूध ली, देखो इसमें आधा दूध हम डाल दिए। डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों, इस तरह से अच्छे से मिलाना है। तो गाइस आज की वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा दें ताकि जो नई वीडियो डालें आप तक पहुँच जाए, ये बिल्कुल फ्री है। तो देखो इसमें हम टूटी फूटी जो मिला कर रखे थे ना इसको डाल दें, इसीलिए इसमें मिला के मैदे को रखी थी ताकि ये इसके अंदर जैसे पकाऊंगा ना तो एक जगह ये सेट हो जाएगी जाके, अगर ऐसे रहेगा तो हर जगह रहेगी। अब देखो केक टिन को हम इसमें बटर या तेल या घी कुछ भी लगा के इस पर हम डाल दी हूँ, मैदा छिड़क दी हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप उसको लगा देना। जो उसको लगाने के बाद इस पर हम डाल दें, देखो सारा बेटर इसके अंदर हम डाल दिए। डाल के उसको इसे चम्मच थोड़ा बराबर कर देंगे, उसके बाद इसको थोड़ा टैप टैप कर देंगे। और इसके बाद में चेरी डाल दें, चेरी भी डाल दे रहे हैं। देखो इसमें हम ओलिने एसेंस डाल थी, आपको दिखाना भूल गई हूँ, हमारा कैमरा बंद हो गया था जब मिलाने टाइम ना, इसमें हम डाली थी। आप चाहें तो कोई सा भी एसेंस डाल सकते हैं, जैसे गुलाब जल या कुछ भी डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अरे भगोना रख दी हूँ गर्म होने के, एक बड़ा सा उसमें हम रख दी हूँ कटोरी। इसको बहुत सावधानी से घरेलू जुगाड़ करी हूँ, अवन तो हमारे पास है नहीं, इसलिए इसी में हम केक बना के भी आपको दिखाते हैं कितना बेहतरीन केक बनेगा। अगर इसका फ्लेम धीमा रखूँ, वाह माशाल्लाह। देखो 45 मिनट में हम गैस बंद कर दी हूँ और उसके बाद देखो केक को चेक कर लेती हूँ कितना बेहतरीन कलर आ रहा है। आप पतीले के अंदर ही देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, आप गैस बंद कर दे रहे हैं। अब इसको हम निकाल लिए पतीले से बाहर, कितना अच्छा है ना देखने में, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो चलो इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद इसको हम कटिंग करेंगे। तो इसको 2 मिनट के अंदर ठंडा होने के लिए रख दी थी, उसके बाद इसको हम कट कर लेते हैं और इसे साइड साइड छोड़ा देंगे। तो साइड साइड निकालने के बाद इसको हम अच्छे से पलट दो। वाह माशाल्लाह कितना फूला फूला केक बना है, इसे लग रहा है बिल्कुल आंगन या बेकरी से बनाया हुआ है, बनाया गया। तब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। आप चाहें थोड़ा मोटा या पतला, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप कटिंग करना चाहें कर सकते हैं। हम थोड़ा मोटा कटिंग करेंगे,
जब इसको रखो ना ठंडा होने के, तो इसके ऊपर कपड़ा ढक के रखना ताकि ये सूखने ना पाए ऊपर से, इसकी सतह सूखनी नहीं चाहिए। अगर इस अगर केक अच्छा लग रहा हो कुछ तो इसमें एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। देखो सारा केक हम काट के तैयार कर दिए, चलो इसको उठाकर आपको दिखा दे। देखो कितना बेहतरीन बना हुआ केक, माशाल्लाह बहुत अच्छा फूला फूला सा केक हमारा बनके रेडी हुआ। तो सबसे पहले इसको राज ट्राई करेंगे चाय के साथ, देखो खा के क्या बताते हैं। वाह, राज खाने जा रहे हैं, माशाल्लाह करे खा रहा, बहुत अच्छा बना हुआ। आवाज़ उनकी हम काट दी इसलिए कि बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही थी बाहर की, इसलिए हम आवाज़ इनकी कटिंग कर दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कहने के लाइक कर देना, आप लोग लाइक ज़रूर करना, भूलना मत। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पे बना के ट्राई कीजिएगा गाइस। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना।